अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। चॉकलेट केक की इतनी इजी रेसिपी मैं आपको सिखाऊंगी कि आप सब इंशाल्लाह ज़रूर बना पाएंगे, और साथ ही साथ बहुत ही मेन मेन पॉइंट्स भी बताऊंगी कि आपका केक क्यों राइज नहीं होता, क्यों ख़राब हो जाता है। साथ ही साथ इस ब्यूटीफुल से केक की फ्रॉस्टिंग और डेकोरेशन भी हम साथ साथ करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी कर लिए हैं केक के लिए, जो जो चीज़ें मुझे चाहिए। सो मैं बनाऊंगी 1 पाउंड का चॉकलेट केक, और ये मेरा ऑर्डर का केक है तो मेरे पास 1 पाउंड का कोई मोल्ड नहीं है। सो आपके पास भी अगर कोई मोल्ड ना हो सो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आप 6 इंच का एक पतीला यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी आपके पास ऐसा कोई टिन हो जो 6 इंच का हो स्केल रखने से, सो वो आप यूज़ कर सकते हैं। 1 पाउंड का केक बनता है 6 इंच के मोल्ड में। सो मैंने ये 6 इंच का पतीला ले लिया है। तो सबसे पहले हम 2 अंडे ले लेंगे। अंडों को जो है आपने बाउल में रख के सेपरेट ऐड करना है, क्योंकि कभी कभी ना अंडे ख़राब भी होते हैं। सो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए। तो अंडे रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। 2 अंडे ले लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे वनीला एसेंस ऐड कर दिया है, और साथ ही साथ मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी शुगर। क्वान्टिटी मैं नीचे लिखती जा रही हूँ साथ साथ, और इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारी रेसिपी मिल जाएगी। सो इस बात की आप फिक्र बिल्कुल भी मत कीजिए कि रेसिपी कहाँ से मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैं लिख दूंगी और साथ ही साथ यहाँ पे आपके साथ मेंशन करती जाऊंगी। सो चीनी आपने देखी, मैंने दानेदार वाली ली है, पाउडर शुगर नहीं है, तो कोई बात नहीं टेंशन की। देखिए अगर आपके पास बेकिंग करने के लिए ये 2 चीज़ें हुई ना, एक तो इलेक्ट्रिक बीटर और दूसरा आपके पास ज़रूरी है मेजरिंग स्केल, ये 2 चीज़ें आपके पास बहुत मस्ट होनी चाहिए, क्योंकि इसके अलावा बेकिंग बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सो अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं और आप बेकिंग सीखना चाहते हैं तो ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। तो ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बाउल को मैंने हाथ में उठा लिया और इसको थोड़ा टेढ़ा करके फिर मैं इसको बीट कर रही हूँ। तो अगर आप सिर्फ टिप से आप इसको बीट करेंगे ना तो इसको बीट होने में काफ़ी टाइम लगता है, तो आप इस तरह से बीट किया करें कि आपके जो बीटर के जो 2 घूम रहे हैं ना और वो जो है ना एग फॉर्म के अंदर बिल्कुल डूब जाए। इस तरह से आप इसको बीट करें तो फिर आपका एग जो है बहुत अच्छे से फॉर्म बन जाएगा और बहुत जल्दी बन जाएगा। मैंने जस्ट 1 स्पीड पे ही इसको बीट किया, और देखिए काफ़ी अच्छे से ये बीट हो चुका है। सो इस तरह से ना जब आप इसके ऊपर करें और जब गिरे तो ये 1-2 सेकेंड्स के लिए स्टे करना चाहिए, तभी आपका फॉर्म परफेक्ट होता है। तो यहाँ पर मैंने मैदा, कोको पाउडर और बेकिंग पाउडर ये सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं, और अब साथ में साथ मैं इसमें सॉल्ट भी ऐड कर दूंगी। सॉल्ट अगर आप चाहें तो नहीं भी ऐड कर सकते। तो मैंने यहाँ पे हाफ डाल दिया है, और छान के डालना भी बहुत ज़रूरी है, बगैर छाने आपने बिल्कुल भी नहीं डालना, इसमें बहुत सारे लम्स हो जाते हैं वरना। और इस तरह से आपने मिक्स करना है, देखिए नीचे से उठाते हुए ऊपर की तरफ लाना है और एक ही साइड की तरफ मिक्स करना है। तो ये भी बहुत ज़रूरी टिप है, क्योंकि अगर आप इस तरह से ओवर मिक्सिंग करेंगे तो फिर क्या हो सकता है, आपका जो एग का फॉर्म बनाया हमने इतनी मेहनत से वो सारा का सारा बैठ जाएगा और फिर हमारा केक राइस नहीं होगा। ठीक है, बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा ये मेन चीज़ नहीं होती केक को राइस करने के लिए। केक राइस करने का मेन इंग्रेडिएंट है एग, और एग को हमने जो इतनी मेहनत से एग को बीट करके एग का फॉर्म बनाया, वो अगर ख़राब हो गया हमारी मिक्सिंग से तो फिर हमारी सारी मेहनत ज़ाया चली जाएगी। ठीक है, तो इस बात का आपने बहुत ध्यान रखना है। तो मिक्सिंग करते हुए आप देख सकते हैं मैं नीचे की तरफ से ऊपर करते हुए बैटर को ला रही हूँ। नीचे से आपने स्पून को स्पैचुला को डालना है, उसके बाद ऊपर की तरफ लाना है, और एक ही साइड पर ही मैं मिक्सिंग कर रही हूँ, डबल साइड मिक्सिंग आपने नहीं करनी है। ठीक है, तो ये देखिए मैं बहुत ही स्लो इसको मिक्स कर रही हूँ, तो आपने भी बिल्कुल इसी तरह से मिक्स करना है, बिल्कुल चमचे से उठा के ना मिक्सिंग करना ना स्टार्ट कर देना। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखिए हमारा बैटर अच्छे से रेडी हो चुका है। तो ओवर मिक्स भी आपने नहीं करना है, ओवर मिक्स यानी कि आपको लग रहा है कि अब ये मिक्स हो चुका है लेकिन आप कह रहे हैं कि बस और मिक्स करूं, ऐसा भी आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। और अब एक और मेन पॉइंट आप नोट कर लें कि आपने टिन को पहले से ही रेडी कर लेना है। मैंने यहाँ पे पतीले को अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया था और बेकिंग पेपर लगा के इसको पहले से ही रेडी कर लिया था, और स्लोली बैटर को डालना है वरना एयर बबल्स बन सकते हैं। और फिर मैंने ये बीच में से जो है ना इनको साइड पर कर दिया बैटर को, ताकि बीच में से डोम ना बने।
अभी मैंने पतीले में थोड़ा पानी डाला है, उसके ऊपर स्टैंड रखा है और फिर ये मैंने टेन बिठा दिया अपना पतीला। उसके बाद ये कपड़ा ढक दिया है, कपड़ा गीला इसलिए क्योंकि मैं पहले भी बेकिंग कर रही थी तो इसलिए वो यूज़ में इसलिए गीला है, तो कपड़ा मैंने ढक दिया। उसके बाद ढक्कन रख के कोई भारी चीज़ रख दी, यानी कि स्टीम बिल्कुल भी बाहर नहीं आनी चाहिए किसी भी सूरत। तो इसको मैंने 25 to 30 मिनट्स के अंदर बेक हो चुका है। 25 मिनट में मेरा तो बिल्कुल परफेक्ट बेक हो चुका था। और मीडियम आँच रखनी है आपने, बिल्कुल पतीले की बिल्कुल स्लो नहीं करनी और हाई तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है, इतना कि पतीले को टच होना चाहिए। 25 मिनट्स में मेरा ये केक अच्छे से बेक हो चुका था, आप देख सकते हैं बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से। तो अब हम केक का गनाश बनाएंगे, केक की चॉकलेट केक है क्योंकि इसमें केक चॉकलेट क्रीम भी यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 50 ग्राम विपिंग क्रीम ली है, हैवी विपिंग क्रीम, विपी वेप की विपिंग क्रीम मैं यूज़ करती हूँ। और साथ ही साथ ये डार्क चॉकलेट मैंने बेक हाउस से ऑर्डर किया था, तो ये बहुत ही इनकी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा जो है ना अफोर्डेबल भी होती हैं और अच्छी भी होती हैं। तो ये डार्क चॉकलेट भी मुझे 1000 ग्राम यानी कि 1 kg डार्क चॉकलेट मिला 980 रुपीज़ की, लगभग 1000 की रेंज में मिल गया। तो ये मैं इसमें डालूंगी सेम क्वांटिटी में, यानी कि अगर आप चॉकलेट क्रीम बनाना चाहते हैं तो जितनी चॉकलेट आप लेंगे उतना ही क्रीम आप लेंगे, ठीक है। उसके अलावा हम जब ब्राउनी वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी ये वाला चॉकलेट सॉस यूज़ करते हैं कि जितनी क्रीम लेते हैं उतनी चॉकलेट लेते हैं, उसके बाद उसकी जो लेप होती है उसको हम ब्राउनी के ऊपर लेप देते हैं। यहाँ पे 50 ग्राम चॉकलेट भी ले लिए। अब हम इसे डबल बॉयलर पे मेल्ट कर लेंगे। अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो बहुत अच्छी बात है, आप माइक्रोवेव में 1 मिनट्स के लिए 30 सेकंड्स के लिए रखें फिर मिक्स करें बाहर निकाल के, फिर 30 सेकंड्स के लिए रखें फिर बाहर निकाल के मिक्स करें। मेरे पास नहीं है तो मैंने इस तरह से पानी गर्म कर लिया है और उसके ऊपर ये बाउल रख दिया है। मेरे पास कोई बड़ा कांच का बाउल भी नहीं था तो मेरे पास ये छोटा सा कटोरा था, मैंने इसी को रख दिया। देखें इसको भी आराम से मैंने यूज़ कर लिया, पानी में रखा गर्म हुआ फिर मैंने कटोरे को बाहर निकाल के मिक्स किया, फिर दोबारा अंदर रखा फिर बाहर निकाल के मिक्स किया। इस तरह से देखें मेरा चॉकलेट गनाश एकदम से रेडी हो चुका है। इससे आप चाहे तो एज अ चॉकलेट गनाश भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे क्रीम में डाल के इसको व्हिप करूँगी और व्हिपिंग क्रीम बनाऊँगी। मैंने पहले ही थोड़ा क्रीम व्हिप कर लिया था और अब मैं इसमें ये वाला चॉकलेट वाला क्रीम भी ऐड कर दूँगी और मैं इसे व्हिप करूंगी, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, अभी कलर भी लाइट हो जाएगा और क्वांटिटी भी ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि ये व्हिप हो जाएगी। और इस तरह से हमारा चॉकलेट क्रीम रेडी हो चुका है। तो चॉकलेट केक में इस तरह से चॉकलेट क्रीम बना के लगाएं तो बहुत ही टेस्टी और यमी लगता है। और ये देखें केक हमारा माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत परफेक्ट और जालीदार केक बना है, बिल्कुल शॉप्स में जिस तरह से केक मिलते हैं चॉकलेट केक, वही केक हमारा रेडी हुआ है। सो अब मैं इसके ऊपर की थोड़ी सी टॉप लेयर हटा दूंगी क्योंकि हमने देखें केक को बिल्कुल अच्छे से स्प्रेड किया था ना बेक करते टाइम, साइड पे कर दिया था इसलिए डोम हमारा इतना नहीं बना, बिल्कुल थोड़ा सा ही ऊंचा हुआ है, इतना बन सकता है कोई बात नहीं है। तो मैं केक की 3 लेयर्स कर दूंगी। अमूमन तो चॉकलेट केक्स में शुगर सिरप यूज़ होता है, शुगर सिरप क्या होता है वो भी काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है। तो चीनी जो है उसको पानी में डिज़ोल्व करना होता है और मीठा सा बना लेना होता है पानी को और फिर वो होता है शुगर सिरप, सिंपल। तो अब मैं क्योंकि चॉकलेट केक बना रही तो मैंने इसमें चॉकलेट सॉस को जो है जो चॉकलेट सॉस मिलता है जैसे हर्शीज़ का चॉकलेट सॉस हो गया और भी बहुत तरह के होते हैं तो उनमें थोड़ा पानी डाल के उसको रनिंग सा बना दिया और मैंने यही वाला सॉस इसमें यूज़ किया है चॉकलेट सॉस, क्योंकि ये चॉकलेट केक है फुल चॉकलेट ही हम इसको बना रहे हैं तो इसलिए इसमें हमने वो यूज़ किया है। चॉकलेट चिप भी आप यूज़ कर सकते हैं इसमें लेयरिंग करते टाइम, सो मुझे अच्छे नहीं लगते इसलिए मैं यूज़ नहीं करती चॉकलेट चिप, मुझे चॉकलेट चिप के फ्लेवर टेस्ट अच्छा नहीं लगता, जब उसको च्यू करते हैं हम चबाते हैं ना तो वो जब मुंह पे आते हैं मुझे वो अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं ऐड नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्योंकि कस्टमर का केक है और कस्टमर को ना रेड कलर का केक चाहिए था तो मैंने जो है उसको रेड कलर से बिल्कुल अच्छे से क्रीम को व्हिप करके और रेड कलर डाल के और उसको स्प्रेड कर दिया है। पहले तो हमने ऊपर लेयर बनानी, सबसे ऊपर टॉप पे लगानी होती क्रीम, उसको अच्छे से लेवल करने के बाद फिर हमने साइडों पे इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके क्रीम लगानी होती है, फिर बहुत अच्छी सी फिनिशिंग लुक आती है। अगर हाँ बिगनर्स होते हैं तो काफ़ी टाइम लगता है करने में, मैं भी अभी तक इतनी फिनिशिंग से जो है क्रीम को फिनिश लुक नहीं दे पाती, मैं भी इंशाल्लाह भी आगे जाके और सीख पाऊँगी। तो हर इंसान ना ट्राई करते करते ही सीखता है, तो अगर आपसे केक ख़राब हो जाता है अगर आपकी क्रीम अच्छी नहीं बनती तो कोई टेंशन की बात नहीं है, वक्त के साथ साथ इंसान सीख ही जाता है, बनाते जाए सीख जाएंगे।
तो पहले तो मैंने रेड कलर किया था, फिर जो है ना मुझे पता चला कि कस्टमर को ब्लैक कलर में चाहिए था, फिर मैंने इसको दोबारा से ऊपर से ब्लैक क्रीम लगा के इसको ब्लैक कर दिया है। और इसके बाद कस्टमर की जो जो डिमांड्स थी, क्या क्या लिखना था, वो सारा कुछ मैंने ब्राउन कलर से लिख दिया। और उसके बाद इसमें थोड़े से स्प्रिंकल्स डाल दिए, ई टेबल स्प्रिंकल्स होते हैं ये। और फिर ये रही केक की फाइनल लुक। माशाल्लाह केक बहुत प्यार लग रहा था और कस्टमर को भी बहुत पसंद आया। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी और हेल्पफुल लगी हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।